एक और बड़ी खबर इस युद्ध से, रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में रूस के मिसाइल अटैक का नया वीडियो सामने आया है। खार्किव के सरकारी इमारत के सेंट्रल स्क्वायर पर रूस ने अटैक किया, जिसे फ्रीडम स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर एक बिल्डिंग है जो कि यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, इस पर हमला हुआ था। और बताया जा रहा है कि मिसाइल से अटैक किया गया, यह यूक्रेन का कहना है। और इसमें बताया जा रहा है अभी तक 6 लोग घायल हुए हैं। और आप देखिए धमाका कैसे होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसको निशाना बनाया गया एक मिसाइल के जरिए, और इस हमले के बाद यहां पर काफी भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें बता रही कि एक बड़ा हमला यहां पर रूसी एयरफोर्स के जरिए यहां पर किया गया है। ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है जो कि सेंट्रल स्क्वायर में है, और यहां पर जैसे ही ये गोला दागा गया उसके तुरंत बाद ही तेज जो लपटे हैं वो दिखाई दी, और इसका इंपैक्ट ऐसा था कि आसपास के जितने भी एरिया से वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो तो जरूर इंटैक्ट रहा, लेकिन इसमें करीबन 10 के लगभग जो लोग हैं बुरी तरह से जख्मी हुए। एक और एंगल से आप ये देखिए कि उसके पास जो कार थी वो कार पूरी तरीके से डैमेज हुई, और जो यात्री वहां से गुजर रहे थे उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें क्लोज भी दिखाई दे रहा है, अंदर से बाहर तक की तस्वीरें। जो अंदर स्ट्रक्चर था जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। और एक बार फिर से आप देखें उसी सेंट्रल स्क्वायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ऑफिस था, सीनियर ऑफिशियल्स का ऑफिस था वहां पर है। और हमें यह भी बताया गया कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी इस वक्त था जो कि उस एरिया को पूरी तरीके से मैन करता है, और ऐसे में इसको बिल्कुल टारगेट किया गया। और टारगेट करने के बाद यहां पर क्योंकि उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जो सिविल गाड़ियां थी जो आवाजाही कर रही थी, लोग यहां से जा रहे थे, वो उसकी चपेट में आए और इसमें बहुत ज्यादा उनको क्षति हुई है, उनकी गाड़ियों के शीशे टूटे। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, लेकिन जो बिल्डिंग के शीशे थे वो पूरी तरीके से जो है वो डैमेज हुआ है। तायल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तायल साहब, हमने कल देखा था बातचीत शुरू हुई थी बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच, अब डिप्लोमेटिक जो प्रोसेस है वो अभी कहां तक पहुंचा है, क्या क्या अपडेट है वहां से? देखिए, बातचीत तो इनकंक्लूसिव रही, और केवल दोनों पक्षों ने ये कहा है कि बातचीत एक दो दिन बाद फिर शुरू होगी। और रशियन डेलीगेट जो चीफ थे और उनके स्पोक्समैन ने यह भी कहा है कि कुछ बातों में शायद थोड़ी सी कन्वर्जेंस है दोनों पक्षों में, पर अब आगे देखना क्या है। देखिए, पूरी इसकी चाबी भी प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में है, ड्राइविंग सीट पर भी वही बैठे हुए हैं और इंजन में तेल भी वही डाल रहे हैं। तो अब जो सब खबरें आ रही हैं, अगर कीव से, जैसे हमारे बच्चों को कहा है कि कीव छोड़ दिया जाए, अभी तक हमारी एम्बेसी ने ऐसी एडवाइजरी नहीं दी थी। 40-20 मील दूर बड़ा बड़ा कन्वॉय रशिया का है कीव के बाहर, कब उनको ये हुक्म मिलेगा कि कीव के ऊपर धावा बोल दें? ये सब प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर है। और जहां तक यूक्रेन ने ईयू के लिए, तो देखिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है यूरोपियन यूनियन के लिए, पर नेटो के लिए अप्लाई नहीं किया है। क्या इस तरह से कोई एक रास्ता निकल सकता है? सर, आपने जिक्र किया यूरोपियन यूनियन का, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ईयू के लिए अब उन्होंने अपना पेपर सबमिट किया हुआ है, तो हो सकता है कि नेटो से पीछे हट जाए? और अगर यूए में जाते, अगर यूरोपियन यूनियन में दाखिल होता है यूक्रेन, या उसको ले लिया जाता है, जो मानक बांध के चल रहे हैं कि ले लिया जाएगा, तो क्या इससे रूस को आपत्ति होगी? क्या रूस की आपत्ति सिर्फ नेटो के साथ है? रूस की मेन आपत्ति नेटो के साथ है, पर रूस ने हमेशा ये देखा कि पीछे जो देश थे पोलैंड वगैरह, पहले उनको यूरोपियन यूनियन में लिया गया, उसके बाद उनको नेटो में लिया गया, तो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह से उन्होंने देखा। तो कहीं अड़चन ना पैदा करे फिर सर बातचीत में? मैं समझता हूं कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन थोड़ा एकोमोडेशन चाहते हैं, कंप्रोमाइज चाहते हैं, तो यहाँ कंप्रोमाइज हो सकता है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का जो रास्ता उन्होंने खोला है उस पर चलते रहे, और नेटो के लिए वो गारंटी दे यूक्रेन कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, और एकदम स्टैंड स्टिल हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, जैसा कि भारत भी कह रहा है, बार बार कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से डायरेक्ट बातचीत जो हुई थी गोवेल में, तो वहां पर गोमेल में जो बातचीत हुई उसमें ये निकल कर आया, सबने कहा कि बेनतीजा बेनतीजा है, लेकिन जो रशियन की ओर से कहा जा रहा है या फिर यूक्रेन के कुछ मीडिया ने भी इसको डाला है कि जो बातचीत हुई है उसमें कुछ चीजों पर वो मान रहे हैं कि एक एग्रीमेंट बन रहा है कुछ चीजों पर, और वो इस बात के लिए तय हुआ है कि हमें फिर से मिलकर बैठकर बात करेंगे। इसको आप ऐसे डिप्लोमेटिकली क्या पॉजिटिव देख रहे हैं, या आपको लगता है कि स्टैंड स्टिल है मामला? मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूं, इसमें आशा की किरण है
क्योंकि बातें खत्म नहीं हुई हैं। दोनों साइड ने कहा है कि एक दो दिन बाद वो फिर मिलेंगे और राष्ट्रपति पुतिन पूरी एक स्थिति को असेस कर रहे होंगे कि इस रास्ते पर अगर आगे जाएंगे तो उनको अपना जमा खर्च करना है, उनको अपना पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। बिल्कुल, किस तरह से रूस की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और रूस के दोस्तों को भी रूस के साथ खड़े होने में बहुत इस समय परेशानी हो रही है जी। भारत को भी बहुत ही इस समय बहुत दुविधा में है भारत, पर कुछ आशा की किरण है। और अगर आज पूरा हमला कीव पर नहीं होता है, मैं समझता हूं कि शायद कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे प्रेसिडेंट पुतिन की जो कोर कंसर्न्स हैं रशिया की सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि जिस रास्ते पर उन्होंने यूक्रेन को और नेटो को डाल दिया है उससे तो रशिया की सिक्योरिटी को दूरगामी बहुत नुकसान होने वाला है। तो उन्हें यह भी देखना होगा कि ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए क्या वो दूरगामी नुकसान इस तरह का। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं जंग के, वैसे वैसे दबाव अंतर्राष्ट्रीय वो भी बढ़ता जा रहा है। राठौर साहब, जैसे इससे पहले हमने खार्किव की तस्वीरें दिखाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को जब टारगेट किया तो वहां बहुत सारे सिविलियंस भी दिखाई दे रहे थे, ये इस तरह की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और रशिया के लिए परेशानी बढ़ा रही है। सर, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, क्योंकि जो बड़ी खबर आ रही है कि मारियापोल में अब हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद कर दिया गया है, यानी दोनेत्स्क का वो इलाका एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है, नेवल बेस रहा है मारियापोल, वहां पर कब्जे के बाद बताया जा रहा है कि किस तरह से जो सप्लाई है बिजली सप्लाई बंद कर दी है। अब सर हुसैन के जवाब भी दीजिए और इसको भी देखिए। सिविलियंस का वॉर में शामिल होना या उनका नुकसान होना ये कोलेट्रल डैमेज है और ये होता है, खास करके जब सेनाएं बिल्टअप एरिया में आकर लड़ाई करती हैं। तो ये आज पुराने जमानों में लड़ाइयाँ फ्रंट लाइन पे होती थी, खुले इलाकों में होती थी, आजकल वो कन्वर्ज होकर के पॉपुलेशन सेंटर्स में आ गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।